स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरा नवापारा में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनाए जा रहे स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य फिलहाल रुका हुआ है। महज दो दिन पहले क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू द्वारा 1,46,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले इस स्टाफ क्वार्टर का भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था, लेकिन दूसरे ही दिन में मोहल्ले वासियों के विरोध के बाद इसमें विराम लग गया है। ज्ञात हो कि स्टाफ क्वार्टर के लिए जिस जगह को चयनित किया गया है उस जगह पर अभी हरा भरा गार्डन विकसित है, जहां नीम, पीपल, गुलाब, जामुन, आम सहित दर्जनों प्रकार के अलग अलग हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। इस जगह के पास में ही एक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर भी स्थित है, जिसके सदस्य मिलकर इस जगह को ऑक्सीजन के रूप में विकसित किए हैं। वही तात्कालिक पार्षद रहे रुपेंद्र चंद्राकर द्वारा पार्षद निधि व अध्यक्ष निधि से भी गार्डन के विकास के लिए हजारों रुपए खर्च किया गया था। मोहल्लेवासी बताते हैं कि एक समय था जब इस जगह पर केवल दलदल रहता था। लोग इस जगह से बिना मुंह में रुमाल रखे गुजर नहीं पाते थे, गंदगी भी पसरी रहती थी। ऐसे में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा मोहल्लेवासियों के सहयोग से ऑक्सीजन के रूप में विकसित किया गया था। मोहल्ले में रहने वाली अन्नपूर्णा ठाकुर, सीता सिंह, चित्रेखा निर्मलकर व भागवत साहू बताते हैं कि नगर की दोनों गार्डनों के दूर होने के चलते यहाँ हर शाम को मोहल्ले के बच्चे खेलने के लिए आया करते थे, तो हम सभी कुछ पल के लिए यहाँ आकर आराम करती थी। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन भी यहाँ बैठकर आराम करते थे। ऐसे में सिर्फ इसी जगह को स्टाफ क्वार्टर के लिए चुनना मोहल्ले वासियों के लिए समझ से परे है। अस्पताल परिसर में और भी अनेकों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, लेकिन उसे छोड़कर इस हरे भरे विकसित गार्डन को नुकसान करना समझ के परे है। क्या नाम है जी आपका? भैया जी, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर जो यहाँ पे दीवार तोड़वाया गया है अस्पताल प्रबंधन? मैं ये चाहती हूँ कि जो पुराना है वैसी जैसे था वैसी हो जाए, और अस्पताल जब क्वार्टर बनाना चाहते हैं तो कहीं और जगह बना सकते हैं। यहाँ बच्चे खेलते थे, हम लोग उठते बैठते थे, आते थे, समय काटते थे। जी आपका नाम? हाँ, अन्नपूर्णा ठाकुर। बताइए। बहुत अच्छा गार्डन बनाया गया था, हम अपने नाती बच्चों को लेकर आया करते थे समय बिताने के लिए, और ये पास में हॉस्पिटल है, यहाँ के मरीज भी आके यहाँ अपना टाइम पास किया करते थे, कुछ हवा ठंडी हवा लिया करते थे, वातावरण शुद्ध था। तो इसको तो उतार के गाड़ दिया गया, हमें अच्छी बात ही है, कहीं और जाके अपना भवन बनाए निर्माण करें। और इसको जो कहते हैं पहले से हरा भरा वैसे ही बनाया जाए, जी। सर, ये पूरा मामला क्या बताएंगे? पूर्व में ये जो स्थल आपको दिख रहा है आज इतना सुंदर था, वह पहले एक दलदल व्याप्त था यहाँ पास, और बहुत ही दुर्गंध आता था। जब भी कोई लोग जाते थे यहाँ पास तो मुंह में रुमाल रख करके जाते थे। उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पास जो मंदिर समिति है और मोहल्ले वासियों ने अपना संयुक्त तत्वाधान में श्रमदान दे करके और अपना अर्थदान दे करके यहाँ पर छोटा सा बगिया का निर्माण किया गया था। उस समय तात्कालिक जो पार्षद महोदय थे उनकी अनुशंसा में पार्षद निधि के माध्यम से भी यहाँ वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, और आज बिना किसी पूर्व सूचना के इसको तोड़ा जा रहा है। इससे यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि यह तो शासन के पूर्व में जो लगाया गया पैसा है उसका दुरुपयोग है। साथ ही अभी हमारे आसपास के पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो हर मोहल्ले में एक ऑक्सीजन की आवश्यकता नितांत है। हर जगह में छोटा ना छोटा कहीं ना कहीं गार्डन का उपयोग किया ही जा रहा है। जिस दृष्टि से ये तो पूर्व में बना ही हुआ है, इसको तोड़ने की अपेक्षा इसका और सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए, और समय के अनुरूपण पर यहाँ जो निर्माणाधीन जो कर्मचारी भवन है उसको पीछे की ओर ले जा करके जो और अन्यत्र स्थल है वहाँ इसको निर्माण किया जाना चाहिए, यही ज़्यादा सार्थक प्रयास होगा मेरी दृष्टि से। जी, आपका शुक्र बताएंगे। मेरा नाम कैलाश पांडे है, मैं ये मोहल्ले वाला हॉस्पिटल परिसर के सामने मंदिर जो बना है, बहुत पुराना मंदिर है, 40 साल से लगभग बना हुआ है। इसके पीछे बहुत गंदगी था, यहाँ सुअरों का जमावड़ा रहता था, जिसको पार्षद बनने के पहले से मतलब पूरा हमारे समिति की तरफ से पूरा सहयोग करके पूरा और जन सहयोग से मोहल्ले वासी की तरफ से सब करके गार्डन को बनाया है। इसमें शासन का भी पैसा लगा है और पार्षद निधि अध्यक्ष निधि का भी पैसा लगा है। तो इसमें गार्डन हॉस्पिटल में गार्डन होना चाहिए, और मंदिर के साथ फुलवारी भी है जिससे मरीज लोग भी यहाँ आना जाना करते थे, छाया के रूप में यहाँ उठना बैठना करते थे, और बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ है। इसको तोड़ा गया है। इसको क्यों तोड़ा गया है, क्या है, हमको अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है।
बाद में काम देखने आया तब पता चला कि हॉस्पिटल का क्वार्टर बन रहा है। इतना हॉस्पिटल के मैदान में इतना बड़ा जगह है, वहाँ क्वार्टर बनने के लिए बनाने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन फिर भी ये गार्डन को तोड़ के बना रहा है। इसमें प्रकृति का पूरा पेड़ पौधे का भी नुकसान हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल एरिया में, पेड़ पौधे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उससे जनमानस को आहत पहुंच रही है। हमारे मोहल्ले वासी भी पूरा सब इससे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, नगर में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि हमें वार्डवासी क्वार्टर का विरोध कर रहे हैं, तो मैं पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा विरोध क्वार्टर का नहीं है, क्वार्टर बनना चाहिए, लेकिन जो सुव्यवस्थित वाले जो जगह है वहाँ पे बनना चाहिए। जो पहले से यहाँ पे बना हुआ है उसको ख़राब करके नए रूप से फिर से नया गार्डन का स्वरूप देना, वो चीज़ें गलत हैं। क्वार्टर के लिए बहुत सी सारी जगह है, यहाँ पे बगल में है, पीछे भी है, काफ़ी सारी जगह है, खुला ग्राउंड है, अलग जगह भी बन सकता है वहाँ पे, अच्छे जगह में फ्रेश वर्क फ्रेश जगह बन सकता है वहाँ पे। और दूसरा क्या है, यहाँ पे गार्डन अगर बनाए रखाया हुआ है, इसका देख रेख सबको, हमारे साथ साथ सबको करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए देख रेख। इस गार्डन बना हुआ है, गार्डन को उनको और अच्छे से डेवलप करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बने हुए गार्डन को तोड़ कर यहाँ पे भवन बनाए। इससे अच्छा बड़ा सा पीपल पेड़ है, नीम पेड़ है, सबको तोड़ के क्या काट के क्या क्या साबित करना चाहती है सरकार, क्या ये उचित है, आप ही बताइए। जी अपना नाम बताएंगे, हेमंत चंद्राकर। मोहल्ले वासियों ने इस कार्य को रुकवाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, क्षेत्रीय विधायक धनेन्द्र साहू, कलेक्टर रायपुर, SDM सूरज सिंह, तहसीलदार लोकेश्वर किरण, नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय व थाना प्रभारी राकेश सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा और उनसे गुजारिश की है कि इस जगह पर होने वाले स्टाफ क्वार्टर को किसी भी हाल में रोका जाए और इसका निर्माण अस्पताल परिसर में खाली पड़ी किसी दूसरी जगह पर कराने की मांग की है। मामला क्या बताएं? नवापारा के शासकीय अस्पताल में डॉक्टर क्वार्टर्स के लिए विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेंडर किया गया था, जिसका भूमि पूजन माननीय विधायक महोदय जी के हाथों से हुआ। जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन शाम को बालासार समिति वाले यहीं इसी नलघर परिसर में आए थे और आकर उन्होंने उस भूमि पूजन के संबंध में पूछा था कि भैया यहाँ बन रहा है और वही मंदिर है और एक गार्डन बना हुआ है। मैंने उनको बताया था कि मंदिर यथावत रहेगा, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, लेकिन जो गार्डन बना है चूँकि अस्पताल परिसर के अंदर है, कब बनाया किसने बनाया मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन चूँकि अस्पताल परिसर के अंदर है और अस्पताल की जगह है और आज इसी नवापारा शहर के लिए इस अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स जो होते हैं उनके लिए क्वार्टर्स बन रहे हैं, तो वो उस परिसर के अंदर ही बनने हैं। और भूमि पूजन के दिन माननीय विधायक जी और जो विभाग के और अधिकारी आए थे, उन्होंने पूरे परिसर को घूम कर देखा था कि यदि कहीं और जगह अच्छी हो जाए तो उस क्वार्टर को शिफ्ट किया जा सकता है करके। एक घंटा मेहनत करने के बाद भी सभी का निर्णय यही रहा कि वहीं पर उचित है, 8 क्वार्टर बनने हैं, 4 क्वार्टर उस स्थान पर बनने हैं जहाँ अभी एक छोटा मोटा गार्डन के रूप में विकसित किया गया है और 4 जो है वो बाजू में बनेंगे जहाँ पर अभी कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ। उन लोगों ने भी, समिति के लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस नगर में अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत उस जो गार्डन बना है उसके। और मैं कहना चाहता हूँ, और जो लोग भी इस पर, कुछ लोगों को मैंने सुना है आपत्ति है, लेकिन अभी तक और कोई लोगों ने आकर अपनी आपत्ति मेरे सामने दर्ज नहीं कराई है और समिति के लोगों से मेरी जो बात हुई थी उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है नगर विकास के लिए इतना अच्छा काम हो रहा है और क्यों रोड़े अटका जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि नगर विकास में आएँ, साथ आएँ और नगर के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। शुक्रिया। विरोध दर्ज कराने वाले मोहल्ले वासियों में पूर्व पार्षद रूपेंद्र चंद्राकर, द्रोण सिंह ठाकुर, भागवत साहू, रोहित सिंह ठाकुर, अभिजीत ठाकुर, हेमंत चंद्राकर, नारायण दास फोटनी, राधे चक्रधारी, संतु साहू, डमरू देवांगन, डब्बू यादव, सालू एसानी, ओम प्रकाश सिन्हा सहित बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
मोहल्ले वासियों ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर इस जगह पर स्टाफ क्वार्टर बनाए तो यहां लगे 100 से अधिक पुराने पीपल व नीम के वृक्ष को नुकसान पहुंचेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हरियर छत्तीसगढ़ बनाने की बात करते हैं, ऐसे में उनकी सभी बातों को दरकिनार कर हरे भरे गार्डन व 100 साल से अधिक ज्यादा पुराने वृक्षों को नुकसान पहुँचाने से क्या लाभ लेना चाहती है, समझ से परे है। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट।